2019 के पेपर में, एथिक्स पेपर में जो सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट, रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल. तो पब्लिक सर्वेंट टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, समबडी हु इज देयर टू सर्व द पब्लिक और टू टेक डिसीजन इन पब्लिक इंटरेस्ट, समथिंग विच विल हेल्प पब्लिक एट लार्ज. और ऐसा भी कह सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट इज समबडी हु इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट द गवर्नमेंट डिसीजंस टू हेल्प जनरल पब्लिक. पब्लिक सर्वेंट टर्म को एक्सप्लेन करने के बाद, क्योंकि इन्होंने ये कहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो आपको अपनी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की. तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है वो है रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट. तो रोल क्या होता है पब्लिक सर्वेंट का, ये आपको बताना है इसके अंदर. तो डिफरेंट टाइप्स के रोल्स होते हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट को प्ले करने पड़ते हैं. इसमें कुछ रोल्स ऐसे हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ वर्क फॉर पब्लिक गुड. जो फर्स्ट फंक्शन होता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट का, वो होता है कि आपको पब्लिक गुड के लिए काम करना है. इसका मतलब ये है कि आपको सेल्फ के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए काम नहीं करना है. आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर ऐसे डिसीजंस लेने हैं और इस तरीके से काम करना है ताकि पूरी पब्लिक को उससे फ़ायदा होना चाहिए. ठीक है, जैसे फर्स्ट ए क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि एक डीसी जो है वो ऐसे डिसीजंस लेता है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को हेल्प करते हैं, ना कि सिर्फ उसको खुद को. ठीक है, तो दैट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट. सेकेंड इज़ पब्लिक गुड अबव पर्सनल गेन्स. ये जो सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट की कॉरोलरी है. इसमें यही बताया कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो पर्सनल गेन्स के लिए नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि जो पब्लिक ऑफिस किसी भी पब्लिक सर्वेंट को होल्ड करने के लिए दिया है वो इसीलिए ही दिया गया है कि पूरी पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए, ना कि कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का. तो पब्लिक गुड अबव पर्सनल गेन्स रख के काम किया जाएगा. दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड रोल ऑफ द पब्लिक सर्वेंट. इसमें और क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है बिकॉज काफ़ी सारे पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उनको एडवाइस देते हैं, तो दीज एडवाइसेस शुड बी नॉन पार्टीजन. ये भी एक फंक्शन हो सकता है. फोर्थ, एक लीडरशिप फंक्शन होता है जो डिफरेंट पब्लिक सर्वेंट को प्ले करना पड़ता है. ठीक है, सर्विस डिलीवरी का फंक्शन होता है. ये माना जाता है कि आप सर्विस डिलीवरी फेयर मैनर में करेंगे, अच्छे से करेंगे, टाइमली करेंगे, ये भी पब्लिक सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है. देन पॉलिसी मेकिंग, कुछ पब्लिक सर्वेंट पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो पॉलिसी मेकिंग में भी आप अपने इफेक्टिव इनपुट्स देंगे. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और क्या क्या पब्लिक सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, तो डीसी और एसपी से डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक्सपेक्ट किया जाता है. इवन लोअर रंग में भी जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, डिसीजन इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में लिए जाएंगे, ना कि इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट. देन टू सर्व सोसाइटी साइडलाइनिंग वंस ऑन इंटरेस्ट, ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट होगा उसे सेल्फ के इंटरेस्ट से ऊपर रखकर काम करना पड़ेगा किसी भी पब्लिक सर्वेंट को. ये भी एक्सपेक्टेड रोल ऑफ द पब्लिक सर्वेंट है. देन रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ पीपल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक पब्लिक सर्वेंट वन है, एक पब्लिक सर्वेंट टू है. अब पब्लिक सर्वेंट वन जो है इसके पास एक फाइल आती है 6 o'clock, 6 बजे, और पब्लिक सर्वेंट वन ये कहता है कि मेरा काम करने का जो टाइम है वो 9 to 6 है, देयरफॉर ये फाइल मैं कल करूँगा. डजंट मैटर हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, और डजंट मैटर वेदर समबडी इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर दैट फाइल टू बी साइंड. ठीक है, दूसरा पब्लिक सर्वेंट ये कहता है कि ठीक है 9 to 6 का टाइम है, दैट इज़ द ऑफिशियल वर्किंग आवर्स, बट बिकॉज समबडी इज़ वेटिंग आउटसाइड, और अगर उसकी फाइल आज ही निकल जाती है तो उसको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी. आई विल साइन दिस फाइल टुडे इटसेल्फ, और वो 6:30 तक उस फाइल को रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है, और इवेंचुअली साइन करके पेपर्स उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दे देता है. तो यहाँ पे फर्स्ट जो पब्लिक सर्वेंट है ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल, हालांकि जो सेकंड पब्लिक सर्वेंट है ही इज़ रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल. तो दोनों के अंदर आपने कंपैरिजन देख लिया, जो फर्स्ट पब्लिक सर्वेंट है वो रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल काम नहीं कर रहा है बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि फाइल को कल भी साइन किया जा सकता है क्योंकि ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं. पब्लिक सर्वेंट टू ये कहता है कि इवन द ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं बट सिंस द पर्सन इज वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो उसकी फाइल को साइन करना उसकी पब्लिक सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. तो रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेड रोल ऑफ द पब्लिक सर्वेंट.
जो एक्सपेक्ट किया जाता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट से कि वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम करेगा। देन नेक्स्ट आते हैं इम्प्लीमेंटिंग सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करी होती हैं और डिस्क्राइब करी होती हैं कि एक्स काम में कितने दिन लगेंगे और वाई काम में कितने दिन लगेंगे, और पब्लिक सर्वेंट को इसको कंप्लाई करके ही काम करना होता है। लेट्स से एक पर्टिकुलर फाइल है फाइल वन, इसको 20 डेज में हो जाना चाहिए, फाइल टू को 10 डेज में पास हो जाना चाहिए। तो पब्लिक सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि एज पर सिटीजन चार्टर इन फाइल्स को रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड में पास करने की कोशिश करें, ठीक है, ना कि अपने पास लेके बैठ जाए। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड रोल है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो एज पर सिटीजन चार्टर ही काम करेगा, क्योंकि सिटीजन चार्टर बनाया ही इसलिए गया है। देन RTI एक्ट एनफोर्समेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है बिकॉज पब्लिक सर्विसेज के अंदर काफ़ी सारे लोग RTI फाइल करते हैं और 30 डेज के अंदर इसका रिप्लाई करना होता है, और एक पब्लिक सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई भी RTI उसके डिपार्टमेंट से कंसर्न करती है तो उसका आंसर विद इन 30 डेज दे दिया जाए। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड रोल है पब्लिक सर्वेंट का। एक बार इसे रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हो सकता है रोल पब्लिक सर्वेंट का। फर्स्ट रोल होता है कि वो पब्लिक गुड के लिए ही काम करेगा, वो अपने पर्सनल गेन्स को नीचे रख के काम करेगा, वो लीडरशिप रोल को प्ले करेगा, ठीक है, वो नॉन पार्टीजन मैनर में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो पार्टी एक्स को पसंद करता है और पार्टी वाई पावर में है तो सही तरीके से राय ना दे, उसको सही तरीके से ही सजेशन देनी है। इसके अलावा वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन लेगा, वो सोसाइटी को सर्व करेगा अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर, वो पब्लिक की नीड्स के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिव रहेगा, वो कोशिश करेगा कि अगर कोई फाइल आज निकल सकती है तो उसे आज ही निकालना चाहिए। देन वो सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करेगा और RTA एक्ट का एनफोर्समेंट करने में भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये डिफरेंट फंक्शंस थे पब्लिक सर्वेंट के और ऐसे रोल्स थे जो हम पब्लिक सर्वेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।